फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है हमारा ऑन AK7 Max और राइट में है हमारा टोंजो LS855। जैसा कि हमारी आरती मैडम ने बताया कि होली का ऑफर है, आपको स्मार्ट वॉच फ्री दी जा रही है 10,000 तक की शॉपिंग पर। जहां हमारी आरती मैम आपको बताएंगी ऑन के AK7 Max के बारे में और टोंजो LS855 के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपको मैम डिटेल्स में बताएंगी। तो आरती मैम शुरू कीजिए वीडियो और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस है। बिल्कुल, इस वीडियो में आपके इनके दोनों डिफरेंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनमें क्या आपका डिफरेंस होने वाला है। आपकी डिमांड के कारण मैं आपके सामने इनका डिफरेंस वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये जो प्रोजेक्टर होने वाला है आपका 855 प्रोजेक्टर है, ये आपका AK7 Max है। इन दोनों का कंपैरिजन मैं आपके सामने करने वाली हूँ और उसकी लाइव वीडियो भी दिखाऊंगी। एंड अभी वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको होली के ऑफर के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी होली आ रही है, होली के टाइम पे हमने आपके लिए एक यूनिक सा गिफ्ट रखा है जो कि हर प्रोजेक्टर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मिनिमम आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको हर शॉपिंग के साथ में आपको एक यूनिक सा गिफ्ट मिलेगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि होली ऑफर है, तो आप बताएंगे होली ऑफर क्या है? बिल्कुल सर, मैं आपको इसी वीडियो में उसकी गिफ्ट के बारे में बताऊंगी कि मैं आपको क्या गिफ्ट इसमें होली में आपको देने वाली हूँ। आप मिनिमम 10,000 की शॉपिंग करेंगे उसके साथ आपको क्या यूनिक गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्टर का कंपेरिजन दिखाऊंगी जो की मेरी व्यूज की डिमांड थी काफी सारी, तो उनके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका जो प्रोजेक्टर होने वाला है टोंजो 855 होने वाला है और ये जो प्रोजेक्टर है AK7 Max। तो दोनों ही प्रोजेक्टर काफी डिमांड वाले हैं प्रोजेक्टर। इन दोनों प्रोजेक्टर की काफी डिमांड आती है मार्केट में। इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इनमें जो डिफरेंस होने वाला है HDMI पोर्ट्स का होने वाला है। सबसे पहले इसमें जो 855 प्रोजेक्टर है इसमें दो HDMI पोर्ट आपको मिलते हैं, जो कि मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। ये देखिए, बैक साइड में आप प्रोजेक्टर को देखेंगे इसमें दो HDMI पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। दो USB है, एक AV पोर्ट है, AUX पोर्ट है एंड IR ब्लास्टर बैक एंड फ्रंट दोनों में आपको मिलता है। एंड इसमें कीस्टोन कनेक्शन भी बैक साइड में ही दिया गया है। ये AK7 Max प्रोजेक्टर है, इसका हम बैक साइड देख लेते हैं। इसमें आपको HDMI जो प्रोजेक्टर के पोर्ट दिए गए ओनली वन पोर्ट दिया गया है। एंड इसमें एक एडिशनल फीचर है जो कि आपको उसमें नहीं मिलेगा, लैंड पोर्ट का ऑप्शन इसमें डायरेक्ट दिया है, तो आप डायरेक्टली इंटरनेट भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। IR ब्लास्टर्स भी इसमें आपको बैक एंड फ्रंट दिए गए, दो USB पोर्ट है एंड VGA पोर्ट है। तो दोनों ही प्रोजेक्टर में एक ना एक चीज खास होने वाली है, आपको जो चीज इसमें मिल जाएगी उसमें नहीं मिलेगी, जो इसमें मिल जाएगी उसमें नहीं मिलेगी। दोनों ही प्रोजेक्टर हमारे खास होने वाले हैं। तो सही सर, आपको कोई भी और भी प्रोजेक्टर में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये हमारे व्यूअर्स को ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है सर, आप घर बैठे भी आप इनको प्रोजेक्टर को मंगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, आप हमारे वेयर हाउस में आके भी लाइव डेमो देखकर भी प्रोजेक्टर बाय कर सकते हैं। एंड इन प्रोजेक्टर का जो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, पिक्चर का जो रेजोल्यूशन होने वाला है टोंजो 855 में जो 1080p रेजोल्यूशन होने वाला है, 4K सपोर्टेबल प्रोजेक्टर है। सेम वैसे ही ऑन AK7 जो प्रोजेक्टर है इसका भी जो रेजोल्यूशन है वो 1080p है एंड 4K प्रोजेक्टर ये भी सपोर्ट करता है। तो मैम दोनों के एंड्रॉइड वर्जन कितने हैं? दोनों ही प्रोजेक्टर के सर एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 9 है, तो जो 855 एंड ऑन AK7 का दोनों का एंड्रॉइड वर्जन 9 होने वाला है। एंड इनकी जो मैक्सिमम स्क्रीन साइज है वो भी 50:300 होने वाली है। मैक्सिमम घर बैठे आप सिनेमा हॉल जैसा मजा भी आप ले सकते हैं, तो कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप होली का ऑफर भी देखने के लिए इसी वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। एंड आपको बता देते हैं इसमें जो आपको ऑटो कीस्टोन कनेक्शन दिया गया है वो भी आपको मैनुअली एंड डिजिटली दोनों तरीके से दिया गया है। एंड फोकस की बात करते हैं तो AK7 और 855 में जो फोकस है, 855 की बात करें तो इसमें आपको डिजिटली फोकस दिया गया है, इसमें आपको मैनुअली नहीं दिया गया है। और ऑन का जो प्रोजेक्टर है इसमें आप मैनुअली भी कर सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे मैनुअली फोकस आपको दिया गया है जिसमें आपको रिमोट के थ्रू फोकस करने को नहीं मिलता है। दोनों ही प्रोजेक्टर हमारे एयर फिल्टर वाले हैं, तो एयर फिल्टर के थ्रू आप प्रोजेक्टर देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके प्रोजेक्टर में कोई भी डस्ट वगैरह आ गई है तो आप अपने घर पे भी टेक्निकल अगर आपको नॉलेज है तो आप घर पे भी एयर फिल्टर के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं एयर फिल्टर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जाली दी गई जिसके थ्रू आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंस होने वाले हैं। इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफी बेस्ट होने वाली है। इसके ल्यूमिनस कंट्रास्ट रेशियो और रैम रोम के बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि इसमें क्या डिफरेंस है। आपकी डिमांड के कारण ये वीडियो बनी जा रही है, तो हम बता देते हैं इसमें आपको जो
लुमेंस होने वाला है 8500, दोनों ही प्रोजेक्टर का लुमेंस होने वाला है, जिसकी वजह से ये दोनों ही प्रोजेक्टर आपके डे लाइट में भी यूज होते हैं। डे लाइट में आप लाइट जला करके भी आप इन प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव इसकी वीडियो भी दिखाने वाली थी, क्या क्वालिटी लाइट में होने वाली है। एंड इसमें आपका एंड्रॉइड वर्जन, जैसे कि आपने पूछा, मैंने आपको बताया था एंड्रॉइड वर्जन 9, 1+8GB रैम एंड रोम दोनों ही प्रोजेक्टर में आपको मिलने वाला है। तो अभी हम इसकी लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्या होने वाली है और 4K वीडियो किस तरीके से सपोर्ट करेगा। तो मैम और बताइए, आपने जैसा दोनों प्रोजेक्टर के बारे में बताया तो आप कुछ और डिफरेंस बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, ऑल डिफरेंट मैंने आपको बता दी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आप बाकी चीजें आप लाइव क्वालिटी में देख पाएंगे क्या इन दोनों डिफरेंस है, क्या क्वालिटी है पिक्चर की। तो आप, मैं इसकी लाइव डेमो आपके सामने दिखाने वाली हूँ। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा कि आपने जो होली ऑफर के बारे में बताया था, हमारे व्यूअर्स कब से वेट कर रहे हैं कि होली ऑफर जो आप बताने वाले थे वो आपने अभी तक बताया नहीं। बिल्कुल, मैं आपके होली ऑफर के बारे में बता देती हूँ कि होली ऑफर आपको क्या मिलने वाला, जो अभी तक किसी भी कंपनी ने आपको नहीं दिया होगा। ये आप सामने स्क्रीन पे दिखा रहा, आपको इसमें होली टाइम पे आपको गिफ्ट मिलने वाला है, स्मार्ट वॉच आपको मिलने वाली है, जो अभी तक आप किसी भी कंपनी से आप कोई भी शॉपिंग करते तो कभी भी आपको कोई गिफ्ट नहीं मिला होगा, लेकिन हमारी कंपनी से शॉपिंग करने पे आपको ये स्मार्ट वॉच फ्री मिलने वाली है 10,000 के मिनिमम शॉपिंग पे। तो अब हम इसकी आपके सामने लाइव वीडियो भी दिखाने वाले हैं। अब हम चलते हैं सर लाइव डेमो की तरफ। बिल्कुल मैम, तो व्यूअर्स जैसे हमारे मैम आरती मैम ने बताया आपको कि 10,000 तक की शॉपिंग पर आपको स्मार्ट वॉच फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। बिल्कुल, तो आप कोई भी मिनिमम 10,000 की शॉपिंग करते हैं उस हर शॉपिंग के साथ आपको ये स्मार्ट वॉच बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। तो सर जी, अब हम इसका अनबॉक्सिंग इस प्रोजेक्टर की। जी मैम बिल्कुल, तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं, अब हम आपको इन दोनों प्रोजेक्टर्स का ऑन स्क्रीन टेस्ट दिखाते हैं कि इनका वीडियो में कितना डिफरेंस है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में है हमारा ऑन AK7 Max और राइट में है हमारा टोंजो LS855। दोनों का वीडियो कंपैरिजन आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। तो दोनों ही पिक्चर की क्वालिटी आप देख के पता लगा सकते हैं ये पिक्चर क्वालिटी में कितना आपका डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। दोनों ही प्रोजेक्टर बराबर स्क्रीन साइज में चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं स्क्रीन साइज आपका छोटा या बड़ा है, आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो इस तरीके की दोनों की पिक्चर क्वालिटी होने वाली है, फुल HD एंड 4K सपोर्टेबल। दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो की वजह से इनका जो पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है। AK7 Max में जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 है और 855 में 10000:1 है, जिसकी वजह से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ी और साफ आपको दिख रही है। और फ्रेंड्स, आपको जैसा कि हमारी आरती मैडम ने बताया कि होली का ऑफर है, आपको स्मार्ट वॉच फ्री दी जा रही है 10,000 तक की शॉपिंग पर। तो दोस्तों, अभी फोन उठाइए और जल्द से जल्द बुकिंग कीजिए अपने प्रोजेक्टर्स की और स्मार्ट वॉच फ्री पाइए। अभी आपको मैंने 4K वीडियो दिखाई थी, ये आपकी फुल HD रेजोल्यूशन पे वीडियो चल रही है, आप इसकी साउंड क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल मोड के अंदर है तो आपको अलग से स्पीकर लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरनल साउंड है वो भी काफी बेस्ट है। तो नॉर्मल रूम में आप बिना साउंड वाले के प्रोजेक्टर को यूज करके आप देख सकते हैं बहुत बेस्ट साउंड के साथ। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए आप हमारे कमेंट करते रहिएगा इसी वीडियो में, हम आपको और भी ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।